हुआ होगा कि आपने देखा होगा रात में, आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई होगी या आपके साथ रहने वाले आपकी फैमिली में ऐसा कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि कोई सोया हुआ है और वो सडनली ऐसे अचानक से उठ जा रहा है, घबरा जाता है या ऐसा लगता है जैसे कि वो सांस नहीं ले पाया है और सडनली उठकर वो बैठ जाता है। कभी कभी आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोए हुए हैं और सडनली आप उठ जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम स्लीप एपनिया कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करने वाले हैं। डिजीज़ है, इसको हम पूरी तरीके से डिटेल्स में समझेंगे कि स्लीप एपनिया आखिर होता क्या है, वो उसके टाइप्स, उसके कॉजेज, सिम्टम्स क्या होते हैं और आखिरी में हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और इस डिजीज़ को समझने के लिए आपको मेरी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करिए। बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं स्लीप एपिनिया के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि स्लीप एपिनिया आखिर होता क्या है। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं नाम से ही, स्लीप यानी कि सोते समय, एपिनिया मतलब ये ग्रीक वर्ड होता है अपिनिया, जिसका मतलब ये होता है ब्रेथलेसनेस, यानी कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, यानी नींद में आप सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो स्लीप एपिनिया इज अ कंडीशन दैट कॉजेज टू स्टॉप द ब्रीदिंग वाइल यू आर स्लीपिंग। जब भी आप कभी सो रहे होते हैं तो आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये इस तरीके की कंडीशन होती है। और जब ये सिचुएशन होती है तो इसमें कई तरीके के कॉजेस हो सकते हैं। तो स्लीप एपनिया सबसे मोस्ट कॉमनली तब हो सकता है जब आपकी ब्रीदिंग रुक जाती है किसी भी कारण से, अगर एयरवे में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसे कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के टाइप्स में इसको कैटेगराइज करते हैं। तो अगर एयरवेज में आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर आपको ये कंडीशन होगी जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा और आप सांस नहीं ले पाएंगे। सेकेंड चीज़ ये हो सकती है, मोस्ट कॉमनली जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्टिव होती है। और सेकेंड जो कॉज हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, करेक्टली कंट्रोल नहीं कर पा रहा है आपकी ब्रीदिंग को, यानी कि जो आपका सेंट्रल सिस्टम है वहाँ पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होने की वजह से आपको ये स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे हम सेंट्रल एपनिया की कैटेगरी में रखते हैं। इस वजह से क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से या आपके जो सर्वाइवल रिफ्लेक्सेस हैं वो हमेशा एक्टिव होते हैं स्लीपिंग के दौरान। और इस वजह से क्या होता है कि जब भी कभी आपको स्लीप अगर आप नींद में हैं और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो आपके रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से आपको सडनली वो आपको जगा के रखते हैं या आपको तुरंत वो जगा देते हैं नींद में से, ताकि आप प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग कर पाए। इस वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा अगर लेट टाइम तक या बहुत लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रहती है तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, स्पेशली हार्ट पर इसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से स्लीप एपनिया जो है आपकी नींद को भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट डे प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं और स्ट्रेस भी रहता है और साथ साथ आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी, कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। स्लीप एपिनिया मेल्स में जो है बिफोर 50 उनकी एज जो होती है तब देखने को मिल सकता है और आफ्टर फीमेल्स में आफ्टर 50 जो है ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। जो पेशेंट ओबेस होते हैं, जो ओबिसिटी जिनमें होती है उनमें ये कंडीशन अक्सर देखने को मिलती है। अगर कोई पेशेंट ओपियोइड पेन किलर पर है या मेडिकेशंस पे हैं तो उनमें भी ये सिचुएशन जो है देखने को मिल सकती है। और कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जैसे कि हाई अल्टीट्यूड पे अगर कोई रहते हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके की जो है चीज़ें हो सकती हैं। हार्ट डिजीजेस अगर किसी को है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो ऐसे पेशेंट में भी स्लीप एपनिया जो है देखी जा सकती है। बात करें सिम्टम्स की, तो स्लीप एपनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट हो सकते हैं, कभी कभी सीवियरिटी की तरफ भी होते हैं। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसे जान पाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो यही होता है कि आप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं स्लीपिंग के दौरान। और इस तरीके से कई सिम्टम्स भी होते हैं जैसे कि फीलिंग टायर्डनेस, इवन एग्जॉस्टेड व्हेन यू आर वेकिंग अप। जब भी आप सोकर उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड लगता है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस लगता है, आप बहुत थका थका सा महसूस करते हैं। कई बार पेशेंट आके बताते हैं कि हमने रात में प्रॉपर नींद ली, हम टाइम पर सो गए थे, हमने पूरी नाइट फुल नाइट हमने स्लीप ली है, लेकिन हमें बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस उनको फील होता है। तो इस तरीके का सिम्टम उनमें देखने को मिल सकता है।
डे टाइम स्लीपीनेस, ऐसे पेशेंट जिनको स्लीप एपनिया होती है और वो रात में कई बार सडनली उठ जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में अगर हम देखें तो डे नाइट स्लीपीनेस बहुत ज़्यादा होती है, वो अपनी स्लीप को कंट्रोल नहीं कर पाते, स्पेशली ड्राइविंग के दौरान, कभी कोई वो काम कर रहे हैं वर्किंग के दौरान या कोई अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उनमें काफ़ी ज़्यादा स्लीपीनेस देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो होता है स्नोरिंग, लेकिन हर केसेस में स्नोरिंग नहीं होती है या खुराटे मारने वाली सिम्टम जो है हर पेशेंट में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये एसोसिएट कर सकता है इस प्रॉब्लम के साथ भी। ऐसे पेशेंट में मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी ऐसे पेशेंट में देखने को मिलती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है स्लीप एपनिया के पेशेंट में। ब्रेन फंक्शनिंग में भी ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, जैसे कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से, ब्रीदिंग सडनली रुक जाने की वजह से आपके ब्रेन में भी कुछ ना कुछ अफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रेट करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ट्रबल्स होते हैं और बहुत सारे अदर ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लगातार उठते हैं रात में, आधी रात में अगर आप लगातार उठते हैं तो ये भी एक तरीके का सिम्टम होता है, और आप नहीं समझ पाते हैं कि आप प्रॉपर नहीं ब्रीथ कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको जलन हो रही है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि उन्हें बाथरूम या वॉशरूम के लिए जाना है, तो वो प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं कि इस तरीके का कोई सिम्टम उनके पास में चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं हमें नहीं पता चलता है, लेकिन हमारे जैसे स्पाइसेस होते हैं या हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर पेरेंट्स होते हैं, वो विटनेस होते हैं आपकी इस कंप्लेंट के, वो आपको प्रॉपर बताते हैं कि आप झटके से उठ गए हैं, आप प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा इस तरीके के सिम्टम्स जो है होते हैं पेशेंट में। कुछ अनयूजुअल ब्रीदिंग पैटर्न्स भी होते हैं, जहाँ पर पेशेंट या तो पूरी तरह से ब्रीदिंग को रोक लेता है, उसके बाद में फिर वो अगेन स्टार्ट करता है, पहले वो शेलो ब्रीदिंग करता है, फिर डीप ब्रीदिंग करता है, कुछ देर के लिए पॉज लेता है, उसके सडनली वो स्टार्ट करता है। तो इस तरीके की कुछ पैटर्न्स जो है स्लीप एपनिया के पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। इनसोम्निया की भी प्रॉब्लम ऐसे पेशेंट में हो सकती है जिनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है रातों में। नाइट स्वेट्स जो है देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा फीलिंग उनमें होती है रेस्टलेसनेस की, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल बेचैनी घबराहट सी ऐसे पेशेंट में देखने को मिल जाती है। ऐसे पेशेंट में सेक्सुअल डिसफंक्शन भी देखने को मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा ब्रीथ जो है उनकी शॉर्ट हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चोकिंग हो रहा है, उनको फील होता है कि कुछ रुका हुआ है या अटका हुआ है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड चोकिंग सेंसेशन भी होते हैं पेशेंट में। और ऐसे पेशेंट में हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जब वो सोकर उठते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा हेडेक जो है देखने को मिल जाता है। बच्चों में स्लीप एपनिया जो है वो डिफरेंट वे से हो सकती है, उनमें सिम्टम्स भी कोई अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि हाइपर एक्टिविटी होती है ऐसे पेशेंट में, फोकसिंग जो होती है या कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ऐसे बच्चों में नहीं होता है बिल्कुल भी, लाउड स्नोरिंग करते हैं, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम उनमें देखने को मिल जाती है। कई बार बच्चों में फ्रिक्वेंट आर्म एंड लेग्स की पोजीशंस जो होती है या मूवमेंट जो होते हैं वाइल स्लीपिंग देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं वो कुछ अलग अनयूजुअल पोजीशन में सोते हैं, जैसे कि जो उनका हेड होता है या नेक होता है वो एक्सटेंड करके सोते हैं, तो स्लीपिंग पोजीशन जो होती है उनकी अलग होती है। कई बार ऐसे बच्चों में रिफ्लक्स यानी कि हार्ट बर्न की प्रॉब्लम या नाइट स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से हम जो एडल्ट्स होते हैं और बच्चे जो होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें सिम्टम जो है थोड़े से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें, कारणों की बात करें, तो इसके स्पेसिफिक कॉजेज होते हैं। स्लीप एपनिया जो है फैमिलीज में रन कर सकती है, हेरिडिटरी भी हो सकती है, और इसके टाइप्स या इसके कॉजेज की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, सेंट्रल स्लीप एपनिया हो सकता है, या मिक्स और कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा होता है कि आपके जो एयरवेज होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और ये कॉमन फॉर्म ऑफ स्लीप एपनिया होता है। मोस्ट कॉमनली पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही ये सिम्टम जो है देखने को मिल सकता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो आपके हेड और नेक की मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती हैं जब आप सो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी विंड पाइप है तो उसके आसपास की मसल जो है रिलैक्स है, तो वो आपकी विंड पाइप को प्रेशर देती है या प्रेस करती है, और इस वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है या आप प्रॉपर तरीके से ब्रेथ नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो एयर्स होती है उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है ताकि वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाती है ऑब्स्ट्रक्शन में या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में। सेंट्रल स्लीप एपनिया की हम बात करें तो ये जो फॉर्म है ये तब होता है जब आपके ब्रेन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। अगर देखा जाए अंडर
ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, तो आपका जो ब्रेन होता है वो प्रॉपर ब्रीदिंग को मैनेज करता रहता है हर समय, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एपनिया को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो आपके सिग्नल्स होते हैं, जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं ब्रीदिंग के, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं होते हैं। ब्रीदिंग रिलेटेड जो मसल्स होती हैं वो स्लीप ब्रेन जो है प्रॉपर वर्किंग नहीं करवा पाता है, तो जिसके वजह से आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। सेंट्रल स्लीप एपनिया में कई तरीके के और भी एसोसिएट प्रॉब्लम या डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे हार्ट फेलियर की कंडीशन में लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल अगर आपको है, जैसे कि आप हाई अल्टीट्यूड में होते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपके नर्वस सिस्टम में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तब भी आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। इसके ये कुछ कॉजेस होते हैं जब आपको सेंट्रल नर्वस या सेंट्रल स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है। मिक्स्ड और जो कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया होती है वो दोनों तरीके के हो सकती है। ये भी एक तरीके का टाइप होता है जिसमें कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी होते हैं और सेंट्रल इवेंट्स भी साथ ही में चल रहे होते हैं। तो ये थे इसके कुछ कॉजेस। करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हम कौन सी मेडिसिन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है लेकेसिस, और इसे स्टार्टिंग में आप जैसे बच्चों को अगर दे रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में उसे 30 पावर में दे सकते हैं। इसकी एक बूंद बच्चों में दिन में 2 से 3 बार देने से उन्हें रिलीफ मिलता है। आपको 15 डेज इस मेडिसिन को देना है, उसके बाद में आपको 1 वीक इस मेडिसिन को स्टॉप करना है, और अगर रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप 15 डेज और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें सिम्टम्स ऐसे होंगे कि जो ग्लॉटिस होता है वो स्पाज्म उसमें होता है, और ऐसे पेशेंट में कुछ ऐसा उन्हें लगता है कि कुछ अटका हुआ है, कुछ प्लग है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें ड्राई कफिंग भी होती है पेशेंट को, और काफ़ी ज़्यादा चेस्ट में उन्हें पेन भी रहता है, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट कफ होते हैं, और उनको हमेशा ऐसा फील होता है कि उनके गले में या पिकॉर्डियल रीजन में कुछ ना कुछ अटका हुआ है, फंसा हुआ है। तो ये लेकेसिस के सिम्टम्स हैं, इसे आप दे सकते हैं पेशेंट को। जब भी ऐसे पेशेंट्स नींद में होते हैं तो उनकी सडन ब्रीदिंग जो है स्टॉप हो जाती है, लेरिंग्स में उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन उन्हें फील होते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है ग्रैंडेलिया और रोबस्टा, और इसमें भी पेशेंट को स्लीपिंग के दौरान ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, इसमें एक सिम्टम जो है पेशेंट को देखने को मिल जाता है, और ये वंडरफुल और टॉप मोस्ट क्यूरेबल मेडिसिन है स्लीप एपनिया की कंडीशन में। इसे आप 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में लेने से आपको रिलीफ मिलता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस मेडिसिन को कुछ और दिन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को ऐसा होता है कि स्लीप एपनिया तो होता ही है, लेकिन जब तक वो बैठते नहीं उठ के तो वो स्लीप ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। लाइंग पोजीशन में ब्रीदिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उन्हें उठकर ही बैठना होता है, उन्हें अपने दोनों चेस्ट को ग्रैप करके रखना पड़ता है, और उन्हें बहुत ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन फील होते हैं और स्पाज्म होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को आप ये मेडिसिन जो है दे सकते हैं। इसमें प्रोफ्यूस म्यूकस वाले सेंसेशन जो है पेशेंट को देखने को मिल जाते हैं। इन्हें ओपियम, इसमें पेशेंट की स्लीपिंग के दौरान जो है सांस रुक जाती है और उनको शेक करना पड़ता है अगेन स्टार्ट करने के लिए, मतलब पेशेंट को आपको उठाना पड़ता है, उसे हिलाना पड़ता है। ऐसे पेशेंट में डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है, इंटरमिटेंट ब्रीदिंग होती है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ में वो सांस ले पाते हैं। ऐसे पेशेंट में ब्लूइश फेस जो देखने को मिलता है, कफ विद डिस्निया जो है, कफ जो होता है वो डिफिकल्ट ब्रीदिंग के साथ होता है। तो ये थे ओपियम के जो है सिम्टम्स। इसे भी आप 30 पावर में यूज़ कर सकते हैं। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में लेने से आपको जो है बेनिफिट जो है देखने को मिल जाते हैं। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है कार्बोवेज, और इसे भी आप 30 पावर में लेंगे। इसमें हॉर्सनेस होगी और इवनिंग में स्पेशली इसके सिम्टम जो है बढ़ जाते हैं। इवनिंग में ऑपरेशन ऑफ द ब्रीदिंग होंगे, सोर होगी, रॉनेस होगा चेस्ट में, और बहुत ज़्यादा रेटलिंग साउंड जो है पेशेंट को दिखाई देते हैं। इसमें लॉन्ग स्पेलिंग ऑफ अटैक्स जो होते हैं कफिंग के होते हैं, मतलब खांसी के साथ इसमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, स्लीप एपनिया जो है कार्बोवेज में देखने को मिलता है। लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है सेंकरिस कॉन्टोर ट्रिक्स। ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है थोड़ी सी रेयर होती है, लेकिन ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। 30 पावर में आपको इस मेडिसिन को लेना है। डिफिकल्ट ब्रीदिंग में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन है। ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है रेस्पायरेशन में जहाँ पर डिफिकल्टी होती है, डिज़निया की प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप और रेस्पायरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। 30 पावर से आपको स्टार्ट करना है और लंबे समय तक आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको रिलीफ मिलता है। तो ये थी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स भी आपको करने चाहिए साथ ही साथ, जैसे कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट लॉस से भी आपको बहुत ज़्यादा जो है
रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, तो 10% वेट लॉस ऑफ द बॉडी जो है वो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट का काम करती है, स्लीप एपनिया में जो है रिलीफ दे सकती है। पोजीशन चेंजेस भी आपको करने चाहिए, कुछ स्लीप एड्स आइटम को भी आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव है या कंजेस्टिव ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है एयरवेज में या नोज में, तो आप वहाँ पर नेजल स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर अगर कंजेशन है, बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो नेजल जो है स्प्रेस का यूज़ आपको करना चाहिए। और बहुत सारी जैसे कि प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेस होती हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर सेंट्रल नर्वस से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, तो अंडरलाइन कॉजेज जो होते हैं उसका ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं तो आपकी स्लीप एपनिया जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। कुछ मेडिकेशन चेंजेस से भी आपको रिलीफ मिल जाता है, जैसे आप ओपोइड मेडिकेशंस पे हैं तो आपको उसमें कुछ अल्टरनेटिव कुछ और यूज़ करके भी आप स्लीप एपनिया से बचे रह सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो स्लीप एपनिया के बारे में, डिफिकल्ट ब्रीदिंग के बारे में, स्लीप के दौरान सांस लेने में परेशानी होने में या फिर सोते समय सांस अगर रुक जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप ये होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है या अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ फैमिलीज के साथ शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके अंदर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।